हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू चैनल। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। आज का टॉपिक अपना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम मनी सिंह पाजी के सुपर हिट ट्रैक चार बोतल वोडका को एक्सपोज करने वाले के सॉन्ग की आखिर रियल स्टोरी क्या है, तो चैनल पर बने रहना। चार बोतल वोडका का गाना कितना ज़्यादा हिट हुआ था गाइस, आप लोगों को पता ही है। गाने को आए लगभग 9 साल कम्प्लीट हो गए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाने को गाइस 2014 26 फरवरी को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इस गाने की गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस गाने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हो कि सिंगर और म्यूजिक में हनी सिंह पाजी का नाम ही है। जहां लिरिक्स में जो लिरिक्स है वहां पे उस्ताद भगदड़ अली खान साहिब का नाम दे रखा है, जबकि हनी सिंह पाजी ने कहा है कि ये गाना यो हनी सिंह पाजी ने लिखा है। तब हनी सिंह पाजी ने इसकी स्टोरी कंफर्म नहीं बताई है। हनी सिंह पाजी ने 2023 में कुछ इसकी अलग स्टोरी बताई है और 2014 में कुछ अलग स्टोरी बताइए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2014 की एक क्लिप दिखा देता हूं, जब हनी सिंह पाजी कपिल शर्मा शो में गए थे। तो हनी सिंह पाजी ने चार बोतल वोडका का सॉन्ग की स्टोरी कुछ इस प्रकार बताई थी। तो पहले आप लोग ये छोटी सी क्लिप देख। पर ये वैसे चार बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? भाजी मैं तो सोसाइटी को ऑब्जर्व करता हूँ और किसी शराबी को देख के ऑब्जर्व किया। नहीं, ये लोगों की सोच है। मैंने एक्चुअली ये मुतासर हुआ, इंस्पायर हुआ, मैं कबाड़ी वाले से जो चार बोतल वोदका की उठा रहा है सुबह से, उसको ना कोई रोक रहा है ना किसी ने रोका, इन लोगों की सोच पुट्ठी है भाई। बस आप लोगों ने हनी सिंह पाजी ने चार बोतल वोडका की जो स्टोरी बताई है गाइस, हनी सिंह पाजी ने 2014 में बताई थी, जो कि 6 जुलाई को ये एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। हालांकि गाइस ये जो मैंने डेटा है गूगल की मदद से निकाली, मतलब कि मैंने गूगल पर सर्च करके बताया, तो हनी सिंह पाजी ने 2014 में कुछ ऐसी स्टोरी बताई थी और 2023 में हनी सिंह पाजी ने कुछ ऐसी स्टोरी बताई। तो अभी आप लोगों ने वो 2014 वाली देखी, अब मैं आप लोगों को 2023 की दिखाता हूँ कि हनी सिंह पाजी ने चार बोतल वोडका सॉन्ग की स्टोरी क्या बताई थी। तो आप लोग पहले 2023 की भी छोटी सी क्लिप देख लो कि हनी सिंह पाजी ने चार बोतल वोडका सॉन्ग की स्टोरी क्या बताई थी। तो थोड़ी सी क्या वो गाना उधर से आया, चार बोतल वोडका की अलग कहानी है। चार बोतल वोडका तो बहुत ज्यादा देर बाद बना, 2013 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया शाहरुख भाई के साथ, तो कोरियोग्राफर था एक डांसर था, मैंने बोतल खोली, हमने तीनों ने एक बोतल खत्म की। एक बोतल खत्म खोलने के बाद मैंने लैपटॉप खोला, मैंने बीट बनाई, दूसरी बोतल खत्म, तीसरी बोतल मैंने लाइन लिखी, चार बोतल वोट का काम है, विद थ्री पीपल वी हैड फोर बोतल वोट दैट नाइट एंड वी मेड द सॉन्ग। तो गाइस आप लोगों ने हनी सिंह पाजी के दोनों ही इंटरव्यूज की क्लिप देख ली। हनी सिंह पाजी ने दोनों इंटरव्यू में गाइस अलग अलग बातें की हैं। 2014 में हनी सिंह पाजी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो गाना है उन्होंने कबाड़ी वाले से इंस्पायर होकर लिखा है, और वहीं गाइस 2023 में हनी सिंह पाजी ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से इंस्पायर होकर गाना लिखा है, मतलब जब वो बोट का पी रहे थे ऑस्ट्रेलिया में टूर कर रहे थे शाहरुख खान के साथ, तब वहीं से ये गाना निकल के आया, मतलब कि वहीं से उन्होंने हनी सिंह पाजी ने गाना लिखा। मतलब 2014 में हनी सिंह पाजी ने कुछ कहा और 2023 में हनी सिंह पाजी कुछ और कह रहे हैं। मतलब कि हनी सिंह पाजी ने जो गाने की जो क्लियर स्टोरी है वो तो नहीं बताई, लेकिन हनी सिंह पाजी ने एक चीज़ है जो कंफर्म क्लियर की है कि चार बोतल वोट का सॉन्ग किसी और ने नहीं लिखा बल्कि यो हनी सिंह पाजी ने लिखा। लेकिन गाइस जब आप लोग चार बोतल वोट का गाना सर्च करते हो और आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हो, तो वहाँ पर तो जो लिरिक्स हैं उस्ताद भगदड़ अली खान साहब का ही आता है, मतलब कि वहाँ पे हनी सिंह पाजी को क्रेडिट नहीं दे रखा है। वहाँ पे केवल सिंगर और म्यूजिक प्रोडक्शन में हनी सिंह पाजी का नाम है, बाकी लिरिक्स में यो हनी सिंह पाजी का नाम ना देके उस्ताद भगदड़ अली खान साहब का नाम दे रखा है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक और प्रूफ देता हूँ जिससे आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गाना है वो यो हनी सिंह पाजी ने लिखा है, मतलब कि चार बोतल वोट का सॉन्ग है वो यो हनी सिंह पाजी ने ही लिखा है। तो गाइस मैं सर्च कर रहा था रागनी MMS2 का विकीपीडिया, वहाँ पर मेरे को साउंड ट्रैक लिस्ट देखी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो स्क्रीन शॉट है और विकीपीडिया का वो मैंने आप लोगों के सामने लगा दी। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि चार बोतल वोट का जो सॉन्ग है वो यो हनी सिंह पाजी ने लिखा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सॉन्ग राइटिंग में यो हनी सिंह पाजी का ही नाम है, रैप में भी हनी सिंह पाजी का नाम है और म्यूजिक में भी हनी सिंह पाजी का नाम है। तो गाइस ये जो लेबल वाले होते हैं उनसे काफ़ी बार गलतियां हो जाती हैं, मतलब कि वहाँ पे यार वैसे तो हनी सिंह पाजी का नाम होना था। जब विकीपीडिया ने ये बोल दिया कि ये जो गाना है, मतलब कि रागनी MMS वाली जो टीम है टू, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये हनी सिंह पाजी ने ही गाना लिखा, मतलब कि लेबल वालों से मिस्टेक थोड़ी सी हुई है और ये मिस्टेक काफ़ी वो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है अभी तक कि चार बोतल वोट का सॉन्ग किसी और ने ही लिखा है, हल्की हनी सिंह पाजी ने नहीं लिखा है। लेकिन हनी सिंह पाजी ने कहा है कि चार बोतल वोट का सॉन्ग उन्होंने ही लिखा है। बाकी गाइस मैंने आप लोगों को जो विकीपीडिया था वो मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया था, तो आप लोग चाहो आप लोग भी सर्च करके
देख सकते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को लिरिक्स में यो यो अनंत सिंह पाजी का ही नाम देखने के लिए मिलेगा। बाकी का फ्रेंड्स, अगर आप लोग रफ्तार भाई का इंटरव्यू देखोगे तो रफ्तार भाई तो अभी भी यही कहते हैं कि जो चार बोतल वोट का ट्रैक है वो लिल गोलू भाई ने लिखा है। मतलब यार ये बात तो है कि लिल गोलू भाई ने बहुत से गाने अनंत सिंह पाजी के साथ मिलकर लिखे हैं और चार पाँच गाने जो अनंत सिंह पाजी के लिए सोलो भी लिखे हैं, जहाँ पर अनंत सिंह पाजी ने प्रॉपर क्रेडिट लिल गोलू भाई को दे रखा है। लेकिन गाइस जो चार बोतल वोट का सॉन्ग है ये तो गाइस अपने यो यो अनंत सिंह पाजी ने ही लिखा है। आप लोगों ने विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट देख लिया, अनंत सिंह पाजी के दोनों इंटरव्यू की जो क्लिप थी वो मैंने आप लोगों के सामने लगा दी। बाकी का गाइस अगर आप लोग भी कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप लोगों भी सर्च करके गूगल पे देख सकते हो। अनंत सिंह पाजी की एक गलती है कि अनंत सिंह पाजी ने अपने जो दो इंटरव्यू के कपिल शर्मा शो पे गए थे, सॉरी इंटरव्यू नहीं, वो तो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर गए थे, और एक जो 2023 में उन्होंने इंटरव्यू किया उसमें दोनों में अनंत सिंह पाजी ने अलग अलग बातें की, तो इस हिसाब से लोगों को लगता है कि अनंत सिंह पाजी शायद अपने गानों के लिए स्ट्राइटर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को ये लगता है कि यो यो अनंत सिंह पाजी ने चार बोतल वोट का ट्रैक नहीं लिखा है बल्कि उस्ताद भगदड़ अली खान साहब ने लिखा है, जबकि गाइस ये गाना है अनंत सिंह पाजी ने ही लिखा है। आप लोगों के सामने मैंने दोनों ही जो विकिपीडिया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा दिया है। आप लोग भी चाहो तो राग्नि MMS 2 सर्च करना और आप लोगों को साउंड ट्रैक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइस ये था वीडियो का अंत। अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो गाइस उसके लिए माफ़ करना। कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो उसके लिए आप लोगों के सामने कमेंट बॉक्स खोले हैं तो आप लोग मुझे वहाँ कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, और भी वीडियो बना रखें चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करना। तो थैंक यू गाइस द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।